हाय दोस्तों, मैं हूं दुर्गानंद चौधरी और आप देख रहे हैं डीके मोबाइल मधेपुर। दोस्तों आज हम लेके आए हैं लावा आयरिस 600, ये फुल शॉट है। तो चलिए आज हम इसका सॉल्यूशन बताते हैं। पहले सेट को ओपन कर लिए हैं हमने, स्क्रू खोल लिए हैं, सेट ऑन करते हैं और दिखाते हैं आपको शॉटिंग और क्या शॉटिंग है इसमें, ये भी बताएंगे। बने रहिए वीडियो के साथ। ये देखिए आयरिस 600 है दोस्तों। तो देखिए हमने सेट खोल लिए हैं और जितने भी इसके शील्ड थे हम सब तीनों का तीनों हम निकाल दिए हैं और पीछे तो ज़्यादा कंपोनेंट नहीं लगे हैं। पेन आईसी तो इस तरफ है, इसके लिए हम इधर से बोर्ड को पलटे मारे हैं। चलिए हम चेक करके दिखाते हैं। लेकिन देखो दोनों साइड से भी पड़ा है। देखिए मल्टीमीटर में भी दिखा देते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको हम रोजिन मेथड से बनाएंगे और इसको हम बहुत अलग तरीका से बताएंगे। हमारे पास तो ना शॉट किलर है ना 5 एम्पियर की डीसी मशीन है, इसको हम बैटरी से ही करेंगे रोजिन लगा करके। तो बने रहिए वीडियो के साथ। पहले हम रोजिन लगा लेते हैं, उसके बाद ये देखिए दोस्तों इसका हमने सॉल्यूशन ढूंढ लिया है। बिल्कुल सब फुल शॉट था ये शर्ट। तो इसमें शॉट ये बूस्ट कॉइल जो है वो हीट कर रहा था, तो बूस्ट कॉइल तो ऑलरेडी तो शॉर्ट ही रहता ही है, कॉइल हर एक कॉइल शॉर्ट रहता है। तो ये लाइट आईसी के कारण शॉर्ट बता रहा था, हमने लाइट आईसी चेंज किया तो शॉर्ट हट गया सेट। अब देखते हैं चालू करके। तो देखिए डिस्प्ले में भी इसका यहाँ से प्रॉब्लम था। ये देखिए यहाँ पे ट्रैक कटा हुआ था एक मिनट। सेट ऑन हो चुका है, चलिए चेक करवा देते हैं। ये देखिए ना हो गया, बिल्कुल ओके है। कैमरा भी चेक कर लें। ये देखिए बड़ा बड़ा इसमें प्रॉब्लम था दोस्तों, लाइट आईसी शॉर्ट थी। और ये कैसे किए हम ये बता देते हैं। इसमें तो ना हम रोजिन इस्तेमाल किए हैं ना थिनर इस्तेमाल किए हैं। और दोस्तों मेन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास 5 एम्पियर की डीसी मशीन अभी तो नहीं है, 2 एम्पियर की है और ना ही शॉर्ट किलर है। तो हमने केवल ये बैटरी से किए हैं, वो भी दिखा देते हैं आपको, आप चाहे तो जुगाड़ कर सकते हैं। ये देखिए ये बैटरी से किए हैं केवल। और ये देखिए ये लाइट ऐसी है, एक टांग इसकी टूट चुकी है, 6 लेग की होती है। ये देखिए क्लियर दिख रहा है। तो हमने दूसरे सेट से लाइट ऐसी निकाल के डाल दिया, सेट ओके हो चुका है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों अगर हमारे वीडियो से आपको मदद मिल रहा है, अगर आप भी मेरी तरह टेक्नीशियन है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कोशिश करते हैं कि हम ज़रूर कुछ वीडियो लाते रहें, कुछ कुछ ट्रिक बताते रहें। तो बने रहिए वीडियो के साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।